क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? उनका कैमरा लगाओ, पहले पिक्चर बनाने वाला थे वो आ जाइए। हाँ तो बोलो, हाँ आ जाइए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, ये इसके ऊपर पिक्चर होना चाहिए ना सर, एक इसके ऊपर पिक्चर। हाँ पूछो ना क्या क्या सर बनाए, भाई जो कल बोला था वही बोलूंगा अभी, और नया क्या बोलूँगा आज, अभी नया क्या है आज, कल शारदा जी से मैंने सवाल उड़ी पूछा जी, जो मुझे बहुत अच्छी, सब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए सब लोग, कल वो लोग इतने भावुक हो गए कि बात करने का मन नहीं कर रहा था जी, फिर थोड़ा आपको उस तरह से भावुक कर देंगे, तो आज जब आएंगे तो आप प्लीज़ सबसे थोड़ा आराम से पूछिएगा, क्योंकि फिल्म देखने के बाद थोड़ा आदमी यूट्यूब वीडियो में चला जाएगा। लुक और लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी और लुक का सेंटर, हाँ सॉरी क्या, इरफान सर मेरे चुनिंदा फेवरेट कलाकारों में से एक हैं, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि वो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मदारी के लिए, मैं देखना चाहती हूँ उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है, और मैं सब्जेक्ट के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके प्रोमोज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे हैं जी। ये इरफान सर जो भी फिल्म करते हैं आई थिंक वो हमेशा कॉन्टेंट ड्रिवन होती है और उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंसेज होती हैं, एंड निशिकांत कामत इज़ अ डायरेक्टर जिन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में दी हैं पास्ट में, सो इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म, और आगे मैं फिल्म देख के ज़्यादा कुछ बता पाऊँगी। इट्स क्रेजी, आई मीन हम लोग, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस रिएक्शन ऑनेस्टली। हम लोग पार्टी कर रहे थे, मेरी कज़िन का बर्थडे था और हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो पार्टी करते करते मेरी दूसरी कज़िन ने वीडियो खींच लिया, तो मैं थोड़ी सोशल मीडिया के लिए थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव हूँ, तो मैंने बोला चलो पोस्ट कर देते हैं, एंड धड़ 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 लाइक इट जस्ट वेंट क्रेजीली वायरल, एंड आई वाज लाइक वो, थैंक यू, इट वॉज़ अ ग्रेट पार्टी एंड वी हैड लॉट ऑफ फन, एंड मेरे घर की सारी पार्टीज ऐसी ही होती हैं,
जब हमारे घर में सेक्शंस होते हैं गाने के, पहले इंग्लिश बजेगा, फिर बॉलीवुड पे आएंगे, फिर एंड में जब सब पूरे मूड में होंगे तब गोविंदा जी के सारे गाने, हिट गाने बजेंगे और हम सब डांस करेंगे. इट्स लाइक एन ओड टू हिम, यू नो, ओड टू हिम. आई थिंक अभिनय चक्र उनकी फिल्म आ रही है और मेरी भी दो फिल्में आ रही हैं. सो बेस्ट विशेज टू माई होल फैमिली. कृष्णा इज डूइंग वेल, आरती इज डूइंग वेल, अमित इज देयर, टीना इज देयर, माई मॉम इज देयर, विनय इज देयर. सो आई थिंक बेस्ट विशेज टू द एंटायर परफॉर्मर फैमिली. थैंक यू. यार एक्साइटमेंट तो मतलब होता ही है, बिकॉज इट्स 2-2.5 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क और 2.5 साल के बाद जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक्साइटमेंट आ ही जाता है. एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, आई होप लोगों को अच्छी लगे. Let's see how it goes. नहीं, कंपटीशन का सवाल नहीं है. दो तीन चीज़ें हैं. एक तो वो बहुत बड़े स्टार हैं रजनीकांत साहब, और ऑफ कोर्स साउथ इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर दैट फिल्म, और हिंदी में भी उनका प्रभाव रहेगा. लेकिन आई थिंक वी हैव मेड अ फिल्म विच इज़ ऑल्सो गुड नाउ, होपफुली अच्छा ही होगा कुछ. नहीं, उतना बड़ा हुआ नहीं है, इतनी बड़ी हमारी फिल्म है नहीं, तो साउथ में तो कवाली ही चलेगी. नो, आई थिंक वी मेड अ डिसेंट फिल्म, वी मेड अ फिल्म फ्रॉम आवर हार्ट. रेस्ट आई लीव इट टू द पीपल. थैंक यू सो मच. एक और लास्ट Miraj Entertainment. So it's our home production. That's old.
and I'm extremely proud that Mr. Paliwal has you know, been associated with a film that's, I think, very dear to all of us. Nishikant Kamat, Irfan Khan, Sailesh, everybody, Shailen, everyone, whoever has been associated with the film, extremely, we are all very proud. Vashuji, you know, so the entire team is extremely happy. I think that's a very underrated question to actually ask me, because I worked with him. I've done a film called New York with him earlier. He's splendid, he's fabulous a person to begin with, and he's a brilliant actor, so I know what the film is all about. I've seen the rushes and I know what the audience is going to be expecting out of it. Great, thanks. Manji? Well, I'm working on my brother's film right now, which is going to be starting very soon, so yeah, let's hope and pray for that. Thanks. कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ आपको या क्या कहूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आप. थैंक यू सो मच. आज के फोटोशूट के लिए तो सबसे पहले तो ये जो कुछ भी वेयरिंग है और ज्वेलरी है और जो जहाँ मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि ये क्या कुछ फोटोशूट के लिए कौन क्या